चलते हैं, ताकि आप बखूबी रूप से समझ पाए कि कैसे वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो काम करता है, कहां से लाभ हम प्राप्त करते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो को ध्यान पूर्वक समझने की जरूरत है, या वो सभी व्यवसाय या वित्तीय उपकरण जो कि आज पहले से ही इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो हम लगभग 20 हमने बाजार के खंडों को चुना है और उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: शिक्षा, संस्कृति, आधुनिक परिवहन प्रणाली, सोने का क्षेत्र, वित्तीय और शेयर बाजार, क्रिप्टो बाजार और इत्यादि। तो यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं कि इस श्रृंखला में कुछ खाली जगहें भी हैं। क्यों खाली जगहें हैं? क्योंकि मान लीजिए कि अगर ये 20 खंड हम लोग कैप्चर कर लेते हैं तो हो सकता है कि सभी पोर्टफोलियो में शायद इंटीग्रेट नहीं होते हैं, और मुझे ये भी लगता है कि ये जितने भी खंड हैं इन्हें भविष्य में इंटीग्रेट यानी शामिल किया जाएगा। तो हालांकि आज केवल 20 खंड हैं, लेकिन इसके ही उपखंड और होंगे भविष्य में, और जो स्टॉक बाजार है वो आज केवल 150 कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व उसका हो रहा है। हालांकि इसी प्रकार से बहुत सारी और कंपनियां हैं जो कि पहले से ही लाभप्रद हो चुकी हैं, लाभ प्रदान कर रही हैं, और कुछ हमारे भागीदार कहते हैं कि जो पोर्टफोलियो का निवेश करना है ये बहुत धीमे धीमे लाभ प्रदान कर रहा है। हालांकि बहुत सारे और ऐसे क्षेत्र हैं जो कि तीव्र गति से लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन मैं सच बोलूं तो मुझे तो पोर्टफोलियो में निवेश करना ये बहुत पसंद है, और विविधीकरण की अवधारणा नहीं देता, तो हो सकता है कि कोई और ऐसा खंड हो जो आपको इसी पोर्टफोलियो में से लाभ प्रदान करे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आपको समझना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर आप चाहते हैं कि वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो वो धन को आपके लिए लेकर आए, तो इसके लिए दो तरीके हैं कि पहला, आप टोकन को या तो बेच दें, या जो इसके ऊपर लाभ या परसेंटेज आप कमा रहे हैं उसे पुनर्निवेश करें वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो में, और साथ ही जो लाभ है उसका आप पुनर्निवेश करते हैं। तो आने वाले समय में हम इसके बारे में दोबारा बात करेंगे। तो ये दर्शाता है कि जो वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो है ये लगातार विस्तार को प्राप्त होगा, जिसका मतलब है भविष्य में नए ऐसे